को मैंने फिर उसका पुराना जो है रिकॉर्ड्स वगैरह को मैंने देखा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छी मैंने वहाँ पे दिल्ली में भी जाके ट्रीटमेंट किया, दिल्ली में भी काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी मैंने काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट जो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो इन्होंने यहाँ पे आके हमको डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद ये पूरा सारा प्रिस्क्रिप्शन और प्रीवियस ट्रीटमेंट को देखने के बाद मैंने उनको बोला है कि तुम्हारा यहाँ पे जो डायग्नोसिस जो है, जो प्रोपाउंड हियरिंग लॉस लेफ्ट साइड में है, जो सुनाई नहीं देता है, उसी की वजह से थोड़ा सा देखने में भी सुनने में काफ़ी उनको तकलीफ हो रहा था। तो इसके लिए मैंने उनको बोला है कि इसका तो कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है, उसमें एक सर्जरी होता है इम्प्लांट, ये जो कॉकलर इम्प्लांट बोलता है, तो वो करना पड़ता है, उससे काफ़ी उनको मदद मिल सकता है सुनने में। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि तो अच्छा हमको ये करो, तो हम आप जहाँ में रेफरेंस देगा उसमें हम जाने का तैयार है बोल के। तो मैंने उनको एक साउथ में हैदराबाद में डॉक्टर राव ENT हॉस्पिटल में तेलंगाना में हाल ही में रेफर किया है उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। जो जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है, इसलिए मैं आपको जो जनरल पब्लिक को या मीडिया को जो वेल्यूशर को बता रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो है बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, तो हम लोग नॉर्मल आदमी जो है ये ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो ये कॉकलर इम्प्लांट करना है उनको, उनका अभी डेट भी फिक्स हो गया है और इम्प्लांट भी करने का पूरा तैयारी हो चुका है यहाँ पे हैदराबाद में। तो इसका इम्प्लांट का कोर्स है, ओनली डिवाइसेस का कोर्स जो है जिसको इम्प्लांट करने जा रहा है उसका कोस्ट है 17 लाख के ऊपर है, और उसके बाद अदर ये जो है OT चार्जेस और वगैरह हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 5 लाख के आसपास है, और अदर एक्सपेंडिचर को मिलाने से अराउंड 30 लाख के आसपास का खर्चा है। तो ये जो है एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल इंसान के लिए ये ट्रीटमेंट का जो है बहुत महंगा है। तो इसलिए मेरा एक वो है कि पब्लिक से एक अपील है कि इनको इसी उनका जब तकलीफ समय में विन जब ज़रूरी समय में पब्लिक थोड़ा उनको मदद करने से ठीक है, तो अगर मदद नहीं करेगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो उनका डिसेबिलिटी जो हो बढ़ते जाएगा। तो यही था मेरा ये आप लोग से अपील था कि हो सकने से जल्दी पब्लिक लोग ना जो भी मतलब नॉट फोर्सफुली जो भी कोई मदद करने चाहे उनको मदद करने से ठीक है, तो नहीं तो फिर ऑपरेशन रुक जाएगा और उनका जो है डिसेबिलिटी बढ़ते जाएगा, तो आने वाले समय में उनके लिए तकलीफ होगा। यही था आप लोग को जानकारी देना। थैंक यू एवरी वन, स्पेशली मीडिया फ्रेटर्निटी ऑफ आवर स्टेट। जो आज हम लोग यहाँ में आया है कि स्पेशली ग्यामर पाडंग का हेल्थ इशू के लिए आया है, स्पेशली हम लोग उसको अपील करना चाहूँगा पब्लिक को। और जो अभी हैदराबाद में हॉस्पिटल में एडमिट होकर रखा है, तो उसको अभी हम लोग चुप नहीं बैठना है। ग्यामर पाडंग हम लोग का स्टेट का हीरो है, और उसके लिए ईच एंड एवरी हाउस होल्ड फैमिली कंट्रीब्यूशन करना मैं समझता हूँ। स्पेशली खास के जितना भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब और साउथ इंडियन जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न में गुवाहाटी शिलांग में बैठने वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी का लड़की लड़का आके सपोर्ट करना चाहिए, इस समय में फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। और साथ साथ हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में इतना मैंने यूनियन एसोसिएशन है और साथ सोसाइटी है, एनजीओ है, अपना अपना क्लाइंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड टू हेल्प ग्यामर पाडंग। एस्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, इस समय में आप आगे आइए, गवर्नमेंट आप प्यार कीजिए ग्यामर पाडंग को, और आपका एक रोल कर रहा है गवर्नमेंट का रोल को ग्यामर पाडंग ने करके आज एक्सपोज करके बहुत बड़ा स्टेट का जनरेशन फ्यूचर का काम कर दे रहे हैं हमारे बेटी बेटा लोग के लिए। और ग्यामर पाडंग को ऐसे चुप मत देखिए, गवर्नमेंट आप फाइनेंशियली सपोर्ट दीजिए। और साथ साथ हमारे जो जितना भी अरुणाचल में पब्लिक बैठे हुए हैं, पंचायत लीडर लेके जितना गवर्नमेंट में एस्टेब्लिशमेंट बैठने वाला ऑफिसर, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी हम रिक्वेस्ट है, जो दिल दुख दर्द वाला आज आगे आइए। आपका पैसा जब कोई जान जाने के बाद काम नहीं आएगा, इस समय में आप आइए आगे फ्रंट में आके आप सपोर्ट कीजिए। और पैसा तो आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन हेल्थ इम्पोर्टेंट है। ग्यामर पाडंग इज़ आवर स्टेट एसेट, वी शुड मतलब उसका जितना लाइफ को नुकसान हो रहा है, हार्म होने जा रहा है, तो हम लोग आगे आके प्रोटेक्शन देना और साथ देना, स्पेशली मेडिकल ग्राउंड में। तो अब जिस तरह से आपने बताया कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कोई डोनेशन कैंप वगैरह रखेंगे? नो, अभी तक तो
कोशिश करेंगे वो भी। और क्या मौका देना है डोनेशन कैम्प करने का, ग्यामर पारंग जिस स्टेट के लिए सेक्रीफाइस दे रहा, ताकि वो एक असिस्टेंट इंजीनियर बन के अभी बैठ सकता था, अपना सेक्रीफाइस किया, वो अपना हैंडीकैप कोटा में कोई भी नहीं आया यही पोस्ट में, उसमें भी वो मिलता था। और आपका जो पेपर लीकेज को भी सॉल्व करके 5 क्वेश्चन 10-10 50 मार्क्स है भी हो कि बहुत आगे भाग के एक पोस्ट मिलता था, दो दो जेई असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट वो मिलता था। ग्यामर पादंग आज स्टेट के लिए सोच के, मतलब अपना मेडिकल में ट्रीटमेंट चलते हुए एक पेशेंट का रूप में बैठे हुए लड़ रहा है और एक्सपोज किया है, आज उसके लिए सब ड्राउट होना चाहिए। दिल एकदम प्यार से प्रेयर का साथ में आप लोग देते हुए भी प्रे करके दे दीजिए, और आपको हम फोर्स नहीं कर रहा कितना देना है कितना देना है। आज सभी का पास में जो देने के लिए तो रिसोर्स है अवेलेबल स्टेट में, काफ़ी हमारे स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 13-14 लाख है, एटलीस्ट 14-15 लाख है, तो 2-3 लाख भी आदमी देता है, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है तो एटलीस्ट उसका तो हेल्थ को हम रिकवरी कर सकता है, नहीं तो उसका ऑलमोस्ट मतलब 90% जो है कि हैंडीकैप होने का चांसेस है एज पर द रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर। नहीं इसको तो मैं नहीं बोलूँगा, वो डॉक्टर अभी ब्रीफ कर दिया जो बीमार का इश्यू को, तो डॉक्टर ने ब्रीफ कर दिया है ना, अभी कैसे सीरियसनेस है हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं इतना बड़ा इश्यू उठाने से, वो तो फर्स्ट टाइम इज बिकम एक्टिविस्ट है ना। सर ये भी बता दीजिए तो डोनेशन देने से मतलब कैसे दिया जाएगा अभी उसको, तो आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी मिशन APPSC में भी अपडेट किया और मेरा टाइमलाइन में भी दिया है, पेज में दिया है, अपडेट किया है उसका जितना भी QR कोड है और बैंक अकाउंट विद IFC कोड नंबर के साथ में दे दिया ना, उसमें दे सकता है ना, डायरेक्ट उसका अकाउंट में आने देने से बहुत अच्छा है। जैसे सर ये आपका ग्यामर पादंग ये एक स्टूडेंट है, तो आंसू आपसू का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? आपसू तो अभी आगे आना चाहिए कंट्रीब्यूशन में भी, वो यहाँ में आगे मतलब सबसे पहले वो लीड करना है, हो सकने से वो कैम्प डोनेशन ड्राइव कैम्प भी आपसू यहाँ में आगे आइए, आप लोग लीड कीजिए बहुत अच्छा होगा। और जितना भी नॉट ओनली आपसू हम लोग को डिपेंड करते हैं क्यों उसको करते रहना है ना, यहाँ अरुणाचल में थाउजेंड्स लाख्स ऑफ यूनियन है और अपना अपना क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अपना अपना सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारा रिलीजियस का जो टेम्पल है मंदिर है चार्च है, चार से भी देना चाहिए, एक एक चार से कंट्रीब्यूशन कीजिए, 10-20 हज़ार तो दे सकता है ना, और एक एक टेम्पल से मंदिर से दे सकता है, इस समय में नहीं देखा क्या करेगा, ह्यूमैनिटी यहाँ में दिखाई दे रहा है, रियल ह्यूमैनिटी, रिलीजन का क्या मतलब है जब उसका ह्यूमैनिटी नहीं है तो मीनिंगलेस है, यहाँ दिखाई है, आगे आइए सब जितना भी भगवान को जो मानने वाला और विश्वास करने वाला। और मैं साथ साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, बहुत लोग रूरल एरिया में बैठा है और ये इशू का बारे में नहीं जानता है, अभी मीडिया में लैमलाइट आने के बाद थोड़ा जान रहा है, जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सक रहा है, फिजिकली मेंटली ये इशू में सपोर्ट नहीं दे सक रहा है, प्लीज़ आप लोग प्रेयर में तो सपोर्ट कीजिए, एकदम दिल एकदम प्योर हार्ट का साथ में, आप आंसू का साथ में प्रार्थना प्रेयर में दिन रात लगाइए, आपका फेलोशिप प्रार्थना टेम्पल मंदिर चर्च सब में आप लोग प्रेयर सपोर्ट कीजिए, गॉड है, जरूर है गॉड।